वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मैं हूँ आयुषी आपके साथ और मैं हूँ triple.com पे। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पर हूँ एक कैंडिडेट के साथ हमारे, जो कि इसी साल 2022 के इंटर्न ऑफ द ईयर है। और मैंने सोचा क्यों ना उनसे थोड़ी बातें हो जाए और उनसे ये जान ले कि उनका इस साल एक्सपीरियंस 2022 में कैसा रहा। तो सबसे पहले हेलो सिद्धेश। हेलो आयुषी, वेलकम टू triple.com। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये आपका पहला अवार्ड विनिंग एक्सपीरियंस है, तो कैसा फील कर रहे हैं? हाउ यू फीलिंग? ये एक्चुअली मेरा पहला अवार्ड विनिंग एक्सपीरियंस है और जैसे कि आई नो कि अवार्ड्स होने वाले थे, अवार्ड्स मिलेंगे लोगों को, मेरे कलीग्स को, बट एज ए मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो आई हैवंट थॉट मुझे अवार्ड मिलेगा। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी मतलब, बट सडनली इतने सारे लोगों के सामने नाम अनाउंस हुआ, अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मुझे ये अवार्ड मिला। और हाउ आर यू फीलिंग कि लाइक आपको ये अवार्ड इतने सारे लोगों के बीच में मिला, लाइक आई मीन इट वॉज अ वाओ फैक्ट। एक अलग ही फीलिंग होती है इतने सारे लोगों के सामने आपको अवार्ड मिला, क्लैप बजे आपके लिए कि हाँ आपको कुछ मिला है, आपने कुछ मेहनत करी है इसलिए आपको मिला है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो इतने सारे लोगों के सामने मिलना। अच्छा, आपको PR 24/7 में कितना टाइम हो गया? मुझे PR 24/7 में 6 months हो गए हैं। मैंने अराउंड जुलाई में ज्वाइन किया था PR 24/7 को और तब से आई एम हियर। सो आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा? अगर अभी तक का सफ़र डिस्क्राइब करना हो तो इट्स क्वाइट नाइस, इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। अभी तक मैंने बहुत चीज़ें सीखने को मिली है यहाँ पे, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है। करेंटली आई एम हैंडलिंग को अकाउंट, बट इसके पहले मैंने कंटेंट राइटिंग करी थी यहाँ पे, मैंने इंटरव्यूज लिए थे, मुझे ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली अलॉन्ग विद मीडिया मॉनिटरिंग एंड ऑल, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सीखने को बहुत ज़्यादा मिला मुझे। सो यू जस्ट टेल अस कि आप यहाँ पे को अकाउंट हैंडल करते हैं, तो कैसा फील हो रहा है इस चीज़ के लिए काम करके? क्योंकि कू इज़ अ वेरी बिग थिंग, कू ट्विटर के कॉम्पिटिटर हैं और हम उनका भी हैंडल कर रहे हैं, तो एक अपने आप में एक प्राउड की बात है कि हम इतना बड़ा अकाउंट हैंडल कर रहे हैं और मेड इन इंडिया ऐप है और बहुत अच्छी रीच है ऐप की, और उनका भी हैंडल करना मतलब बहुत प्राउड बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये अवार्ड आपको नहीं मिलता तो ऐसा कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है जो जिसे ये अवार्ड मिल सकता था? अगर ऐसे बोल तो मैं जितने कलीग्स हैं सब प्रॉपर करते हैं, सेम हार्ड वर्क करते हैं, बट आई थिंक अगर मुझे नहीं मिलता तो अभिराम भी सेम कू ऐप में है, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी गुड, तो आई थिंक उन्हें ये अवार्ड मिल सकता है अगर मुझे नहीं मिलता तो। तो अभिराम, लाइक आप नॉमिनेट हो चुके हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, आई मस्ट से अगर आप इतना ही हार्ड वर्क करेंगे तो मे बी नेक्स्ट इंटर्न ऑफ द ईयर या फिर और कोई अवार्ड नॉमिनेशन आप लेके जा सकते हैं। एनी वे सिद्धेश, आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए आपके क्या हैप्पी प्लान है? नेक्स्ट ईयर मैंने वही सोचा है कि जो कर रहा हूँ उसे और आगे लेकर जाना है और इसे और बढ़ाना है, हम अभी जो हैंडल कर रहे हैं उसी को और इन्हांस करना है, तो बस उसी पर वर्क हार्ड करना है बस, और अगले साल भी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन देना है। कूल, इंस्पिरेशनल, ओके। एंड एक हैप्पी न्यू ईयर मैसेज अपने सभी कलीग्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैं कलीग्स के लिए ये कहना चाहूँगी, वर्क हार्ड एंड पुश योर लिमिट्स, आप काम करते जाइए, रिवॉर्ड की आप टेंशन मत लीजिए, मिलता ही है। जैसे मुझे नहीं लगा था मुझे कुछ मिलेगा, बट आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे मिला, तो बस वर्क हार्ड करिए और अपना बेस्ट दीजिए। अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जब हमें एक्सपेक्टेशंस ना हो एंड सडनली चीज़ें हमारे पास आए, तो एक हैप्पी एक्सपीरियंस होता है जो सिद्धेश ने फील किया। एंड लाइक सिद्धेश सेड कि अगर हम खुद को मोटिवेट करते रहेंगे और वर्क हार्ड पुश योर लिमिट्स, तो हम डेफिनेटली आगे अपने जो भी गोल्स उसको अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सिद्धेश, थैंक यू सो मच मोटिवेशनल स्पीच के लिए, और आई ऑल्सो विश मैरी क्रिसमस एंड एज वेल एज मैरी क्रिसमस टू यू एज वेल। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एज वेल। आई होप कि आपके लिए आने वाला साल बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए। एंड थैंक यू सो मच triple.com पे आके ये इंटरव्यू देने के लिए। आई वांट टू थैंक triple एंड आल्सो थैंक यू, यू आर अ नाइस ग्रेट रिपोर्ट। थैंक यू सो मच।